ये देखिए, ये पूरा एक्सट्रूजन मशीन का ये हेड है। ये वैक्यूम बाथ है और आगे कूलिंग बाथ है, उसके आगे प्रिंटिंग है, हॉल ऑफ है। और इधर हम देखते हैं पहले, ये देखिए ये हॉपर है, ये हमारा हॉपर है। इसमें मटेरियल डोजिंग होता है ब्लोअर द्वारा या खुद मैनुअली भी डोजिंग हो जाता है इसमें मटेरियल। उसके बाद से देखते हैं, ये देखिए डोजिंग द्वारा हो रहा है ये मटेरियल। यहाँ पे मिक्सिंग किया जाता है, कुछ ग्राइंडिंग के मटेरियल भी यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। ग्राइंडिंग के मटेरियल मतलब जो रिसाइकल करके यूज किया जाता है वो मटेरियल भी यूज होता है। और ये ब्लोअर है जिसकी सहायता से मटेरियल को खींच के हॉपर में डाला जाता है। ये देखिए, ये है थ्रॉट बियरिंग, इस पर स्क्रू का हेड को रखा जाता है, यहीं पे उसका हेड होता है। और इसको भी कूलिंग देते हैं 35 डिग्री से 40 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। और देखें उसके बाद से ये होता है, ये है यहाँ पे मोटर जिसकी सहायता से हमारा एक्सट्रूडर रोटेट करता है। ये और ये हमारा मोटर है और ये एक्सट्रूडर को रोटेट कर रहा है। ये अंदर जो स्क्रू है उसको रोटेट कर रहा है एक्सट्रूडर। और इसको जो हम आरपीएम में सेट करते हैं रोटेट पर मिनट में। देखिए ये है हमारा, इसको हम ब्रेकर प्लेट बोलते हैं। ये ब्रेकर प्लेट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। या इसमें हम स्क्रीन पैक लगाते हैं और स्क्रीन पैक जो इस प्रकार का होता है, दिखाते हैं आपको स्क्रीन पैक। स्क्रीन पैक इसलिए लगाते हैं कि इसमें प्योर मिक्सिंग मटेरियल ही जा पाए, मेल्ट मटेरियल ही आगे की ओर हमारे नोजल तक जाए और उसका ही प्रोडक्ट बन। देखिए ये है हमारा स्क्रीन पैक, इसको ये एक तरह से छानने का काम करता है। इस यह प्योर मटेरियल को ही आगे जाने देता है, अच्छे से जो मेल्ट हो गया रहता है, मिक्स हो गया रहता है, उसे ही आगे जाने देता है, अन्यथा उसको वहीं पर रोक के रखता है। और मटेरियल के ऊपर प्रेशर भी बनाता है, स्क्रीन पैक मटेरियल के ऊपर प्रेशर भी बनाता है ताकि मटेरियल स्क्रू में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बैक प्रेशर को बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है, बैक प्रेशर बढ़ाने में। देखिए दोस्तों, ये है हमारा, यहाँ से परिजन निकल रहा है और ये हमारा ऐसे जा रहा है। इसमें पहले एक वैक्यूम बाथ में जाएगा, वैक्यूम बाथ में हम इसका आईडी ओडी और वाल थिकनेस को मेंटेन करने के लिए वैक्यूम का यूज करते हैं। और अच्छे से इसमें जो हमें आईडी ओडी चाहिए उसको हम इसके ज़रिए उसको हम सेट कर देते हैं। उसके बाद से ये है हमारा पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इसमें हम कितना टेम्परेचर एक्सट्रूडर को देना है उतना टेम्परेचर सेट करते हैं, कितना हमारा आरपीएम चाहिए उसको रोटेट कर, कितने मतलब कि स्क्रू का स्पीड कितना चाहिए, आरपीएम रोटेशन रोटेट पर मिनट उसको हम सेट करते हैं। और वैक्यूम को भी यहाँ से सेट किया जा सकता है, ये सब सेट हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद से और देखते हैं, इधर आते हैं, ये पूरा हमारा पीएलसी है। ये ऊपर एक कलर लगा है, वो लाइट लगा है, वो अलार्म का लाइट है। ये देखिए यहाँ पे जो हीटर है, हीटिंग का यहाँ पे पूरा शो कर रहा है कि कौन सा जोन कितना हीट है और कितना हीट देना है किस जोन को, उसे वो करते हैं।
और ये था हमारा वैक्यूम। ये वैक्यूम बताता है कि आपका कितना वैक्यूम हुआ है। और ये हमारा इस जो वाटर है इसके अंदर उसका टेम्परेचर बताता है, और उसका टेम्परेचर इसमें बताता है कि कितना डिग्री सेल्सियस वो है। उसको हम बहुत ठंडा रखते हैं, जैसे 25 से 50 डिग्री सेल्सियस तक, उसे हम -25 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, माइनस में रखते हैं। और उसका उस वाटर का सब कंट्रोलर यहाँ पे है, इनलेट आउटलेट का यहाँ पे सब है। उसके बाद से ये वैक्यूम है, और यहाँ से हम वाटर को स्टार्ट और बंद करते हैं। ये देखिए मैंने वैक्यूम बात इधर था, ये पूरा वैक्यूम बात है जो हमारा आईडी वाल थिकनेस मैनेज करने के लिए है। और यहाँ से वाटर बात है हमारा, वाटर कूलिंग बात। इसमें पाइप ठंडा होता है और वो वैक्यूम बात से जो शेप लेके निकलता है उस शेप को बनाए रखने के लिए इस बात का प्रयोग किया जाता है। और ये ऐसे आता है यहाँ पे, ये हमारा प्रिंटिंग है। जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है वो अपना प्रिंटिंग वहाँ पे ज़रूर बनाती है। ये देखिए आपको नहीं दिखाया था मैं, ये है आपका ब्लोअर है यहाँ पे। ये हॉट एयर यहाँ से निकलता है जिससे जो वाटर आता है पाइप के साथ वो वहाँ सूख जाता है। ये हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है, ये हॉल ऑफ है, हॉल ऑफ। इसमें इसका स्पीड आरपीएम के स्पीड के अनुसार सेट करते हैं। और इस ये पाइप को खींचने का काम करता है। पाइप ज़्यादा तेज़ खींचेगा तो हमारा आरपीएम अगर कम रह रहा है, पाइप ज़्यादा तेज़, ये इसका स्पीड ज़्यादा है तो हमारा पाइप पतला आएगा। अगर इसका स्पीड कम है, आरपीएम का उस लेवल से ऊपर है, तो हमारा पाइप जो आएगा वो मोटा आएगा। और ये जो हॉलॉफ के ऊपर लगा है ये, इसको ये मीटर काउंट करता है कि कितना मीटर यहाँ से पाइप बाहर निकल चुका, या पाइप को जितना आउट करता है, जितना पाइप बाहर निकलता है उसको मीटर में वो काउंट करता है। और उसके बाद से यहाँ पे शो करता है। ये है हमारा वाइंडर। ये अलग अलग मशीन पे अलग अलग टाइप के वाइंडर होते हैं। ये मैनुअली वाइंडर है। इसमें ये लेटरल पाइप बन रहा है, लेटरल पाइप बन रहा है। इसका ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब